गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्लियर वी हैव कम्प्लीटेड लेसन टू एंड आई हैव ऑल गिवन यू द क्वेश्चंस, द वर्ड मीनिंग्स एंड द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. आई डोंट थिंक इफ एनीबडी हैज फेस्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट. इफ यू हैव फेस्ड एनी सच, देन यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल और whatever you have faced any problem, just write it down in the group so that I will see the problem and then I will sort it out. Okay, so now we will be moving forward to lesson 3, that is the passing away of Bapu. आप लोगों को तो पता ही होगा बापू कौन है, या सॉरी कौन है नहीं, कौन थे. बापू कहा जाता है महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम था, और उन्हें हम इन शॉर्ट M.K. गांधी या महात्मा गांधी कहते हैं. अब उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द पासिंग अवे ऑफ बापू, इसका मतलब जब बापू हमें छोड़कर चले गए. चले गए से इन द सेंस उनकी डेथ हो गई. इसमें इस चैप्टर को लिखा है नयनतारा सहगल ने, जो कि इस कहानी की ऑथर हैं. दी नयनतारा सहगल 1927 इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू रिसीव द वाइड रिकॉग्निशन. नयनतारा सहगल, जिनका जन्म 1927 में हुआ, वो इंडिया की पहली ऐसी फीमेल इंडियन राइटर थी जो कि इंग्लिश में लिखती थी, और उनकी बहुत ज़्यादा पहचान थी, उनको लोग बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करते थे उनके लिखने के वजह से. हर फिक्शन डील्स विद इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाय पॉलिटिकल चेंजेस. और वो ज़्यादातर फिक्शनल चीज़ें लिखती थी जो कि इंडिया फेस करता था या डील करता था जब भी कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस हमारे कंट्री में होता था. तब शी वन द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1986 फॉर हर नॉवल रिच लाइक अस. उन्हें पहली बार 1986 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी नॉवल जिसका नाम था रिच लाइक अस लिखा. उस नॉवल को उन्होंने जब लिखा, उसके बाद उनकी जो पहचान थी, उनकी जो रिकग्निशन थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग ने उनको इतना सराहा कि उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया. द टेक्स्ट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक रिकाउंट्स द इंसिडेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी. ये जो टेक्स्ट आपके चैप्टर में दिया है द पासिंग अवे ऑफ बापू, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है नयनतारा सहगल्स की मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक नाम से, उनकी जो मेमोरायर, मैंने किसी को जब हम मेमोराइज करने के लिए उसके बारे में हम जानकारी लिखते हैं तो उसे मेमोयर कहते हैं. तो ऐसी ही एक मेमोयर से, जिसका नाम था प्रिजन एंड चॉकलेट केक, उसमें से ये एक इंसिडेंट हमें इस चैप्टर में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से गांधी जी की डेथ हुई, और उस इंसिडेंट में, यानी उस डेथ इंसिडेंट के बाद वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटी, उनका पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन इस कहानी में आपको दिया गया है. It vividly describes not only the author's personal sense of loss, but also the collective grief of the entire nation at the passing away of Mahatma Gandhi. जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चला लोगों को और हमारी ऑथर को कि जो महात्मा गांधी हैं वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला और यहाँ तक कि ऑथर को जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने जो एक दुख प्रकाश किया कि एक बहुत बड़ा चीज़ का लॉस हमारी ज़िंदगी में हुआ है, एक बहुत बड़ी घटना घट गई है जिसके वजह से हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान, मैंने उस
उस लॉस को हम भर नहीं सकते, उस नुकसान को हम भर नहीं सकते, हमने इतना बड़ा एक नुकसान कर दिया। तो उस यहाँ पे एक तो ऑथर ने एक बहुत पर्सनल लॉस उनको एक हुआ, और दूसरा हमारी पूरी कंट्री के जितने भी लोग थे उन सब को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, महात्मा गांधी ऐसे कैसे चले गए हमको छोड़ के। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पे इस खबर को सुनने के बाद। और इसके बाद जब लोगों को सच्ची में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये घटना सच है, तो उन्होंने जो दुख व्यक्त किया, उन्होंने जो उस समय रिएक्शन दिया, उस पूरी घटना का ब्यौरा इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द स्टोरी, यू विल पे अटेंशन टू इट, एंड एवरीबडी शुड बी वॉचिंग देयर बुक्स एज वेल एज लिसन टू मी। ओके, नाउ यूनिट वन। आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948 व्हेन आई वॉज कॉल्ड टू बिरला हाउस बाय एन अर्जेंट टेलीफोन। मैं से मतलब यहाँ पे ऑथर कह रही है। ऑथर कौन है हमारी? नयनतारा सहगल। तो नयनतारा सहगल एक शाम को 30 जनवरी 1948 की शाम थी और वो अपने घर में बैठकर चाय पी रही थी। When I was called to Birla House by an urgent telephone, तभी उन्हें Birla House से एक बहुत ही important टेलीफोन कॉल आया, और जहाँ पे उन्हें बुलाया जा रहा है, Birla House से फ़ोन आया और वहाँ पे इनको फ़ोन आके इनको कहा जा रहा है कि तुम जल्दी से जल्दी Birla House पहुँचो। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग, और आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गॉट इन टू दी कार। जैसे ही बिरला हाउस से उनको फ़ोन आया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल, और उसमें कहा गया कि उन्हें जल्दी से जल्दी बिरला हाउस पहुंचना है। क्यों? क्योंकि गांधी जी जब अपने प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे तो उस प्रेयर मीटिंग के रास्ते में उन्हें किसी ने गोली मार दी। ये बात सुनते ही हमारी जो राइटर थी वो एकदम से शॉक हो गई। मैंने उसको समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, ये क्या घटना घट गई। जैसे हम कभी भी मान लो हम अपना नॉर्मल कुछ काम कर रहे हैं, सडनली हमें कोई एक सडन दुख का खबर देता है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? हम एक सेकंड के लिए परेशान हो जाते हैं, प्लस हमारा कोई समझ भी नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें इतनी बड़ी घटना को। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी जो ऑथर हैं वो भी एक सेकेंड के लिए फीलिंग लेस हो गई, यानी उनको समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, एकदम सडन शॉक में चली गई कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। और ये चीज़ सुनते सुनते वो कार में बैठी और बिरला हाउस के लिए निकलने के लिए वो आगे बढ़ी। एट द बिरला हाउस गांधी जी इज रिलेटिव एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। जैसे ही वो बिरला हाउस पहुँची, वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि गांधी जी के जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी क्लोज्ड वन थे, और उसके अलावा जितने भी फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स से मतलब उनको जो सपोर्ट करते थे, उनका जो सम्मान करते थे, प्लस उनके ग्रुप के साथ वो हमेशा रहते थे, उन्हें कहा जाता है फॉलोअर्स, जो आपके साथ हैं और आपके कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके कदमों के साथ कदम मिला के आगे चल रहे हैं, उन्हें कहा जाता है फॉलोअर्स। तो गांधी जी के जितने भी रिलेटिव्स के साथ साथ उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी उनकी बॉडी के चारों तरफ असेंबल होके खड़े थे। असेंबल से मतलब एक जगह एकजुट होके खड़े होना, गैदर्ड यानी असेंबल करना, एकजुट होके खड़े होना। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट, और वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, और उनके चारों तरफ जितने भी लोग थे और जितने भी उनके रिलेटिव्स थे सभी बिल्कुल साइलेंट थे। उन किसी के भी मुंह से कोई भी आवाज़ या कोई भी शोर या कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा था, क्योंकि गांधी जी मर चुके थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। वर्ड्स ऑफ बापूजीज डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फैन बाय विंड, और बापूजी की डेथ की ये जो खबर थी
ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी इलाकों में एक आग की तरह फैल गई। जब आपने देखा होगा, जब मान लो किसी जगह में आग लगती है तो हवा से वो क्या होती है कि फैलने लगती है, और इतने तुरंत वो फैलती है कि हमारा आइडिया के बाहर हो जाता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा एरिया में कैसे आग लग गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से गांधी जी की मृत्यु की खबर भी जो थी वो एकदम आग की तरह आसपास के सभी इलाकों में, दिल्ली में हर जगह उनकी मौत की खबर बहुत ही जल्द फैल गई। Sad groups of men and women had collected around Birla House. Out of every window one could see a brown blur of faces. और जितने भी लोग थे, जिन जिन को भी पता चल रहा था, और बिरला हाउस के पास जितने भी लोग आसपास के वो आके जमा हुए थे, वो सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। और आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस, और यहाँ तक कि जो लोग अपने घरों में भी थे उनकी खिड़कियों से उनके माने उनका जो फेस था बिल्कुल एकदम छोटा हो गया है, एकदम सूना सा हो गया है। हर एक के मुंह में एक दुख का जो मतलब हर एक के मुंह को देख के लग रहा था कि जैसे वो कितना दुखी हो गया है महात्मा गांधी जी के हमें छोड़ के चले जाने के बाद। सभी लोग दुखी दिख रहे थे, एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि दुखी नहीं था। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, और इसी वजह से कोई भी बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। इतने सारे लोग, हम देखते हैं क्या है कि जहाँ पे भी 15-20 लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पे कितना शोर होता है, कितना चेचा चीची होता है, लेकिन गांधी जी के डेथ के बाद वहाँ पे इतने सारे लोग जमा हुए लेकिन वहाँ पे शोर नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। सभी लोग साइलेंट थे, हर कोई साइलेंट था, एक भी शब्द कोई नहीं बोल रहा था, सब दुख में एकदम निस्तब्ध हो गए थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, और ये जो साइलेंस था ये बिल्कुल अननेचुरल था, बहुत ही स्ट्रेंज था। अननेचुरल से मतलब स्ट्रेंज, अजीबोगरीब साइलेंस था जो कि लोग पहले कभी ऐसा नहीं देखे होंगे। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना साइलेंस है यहाँ पे, कहीं पे भी कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सभी लोग एक ही जगह में खड़े होके बापूजी के लिए दुखी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि समय का जो कांटा है वो रुक गया है कुछ मिनटों के लिए। पीपल वेर टू स्टंट टू स्पीक इन द बिगनिंग, लेटर दे क्लैमर्ड वाइल्डली शाउटिंग एंड क्राइंग। स्टंट से मतलब है बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड से मतलब क्या होता है, यानि लोग पागल हो रहे थे दुख में। क्लैमर्ड यानि लाउड आउटक्राय, लाउड आउटक्राय से मतलब जब हम दुख में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, और वाइल्डली यानि मैडली यानि पागलों की तरह रोना। तो द पीपल वेयर टू स्टर्न टू स्पीक इन द बिगनिंग, जितने भी लोग आसपास जमा हुए थे वो सब बिल्कुल शॉक में इतना बुरी तरीके से पागल हो गए थे कि कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था, किसी के भी मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, कोई भी मतलब किसी ने भी आवाज़ करके या कुछ बोल के इस चीज़ की मतलब आवाज़ की शुरुआत किसी ने भी नहीं कर पाई, मतलब कोई भी नहीं कर पा रहा था, सभी लोग दुख में पागल हो रहे थे। लेट दे क्लैमर्ड वाइल्डली शाउटिंग एंड क्राइंग, और उसके कुछ पल बाद ही सभी के सभी पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के अजीबोगरीब आवाज़ में शाउट करते हुए रोने लगे। दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इन टू द हाउस, और उसके बाद सभी लोग आपस में जब रोना शुरू कर दिया तो आसपास के मतलब रोना शुरू करने के बाद सभी लोग कोशिश करने लगे कि जो लोग रूम के अंदर थे जहाँ पे महात्मा गांधी जी की बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ पे रूम के अंदर जो लोग थे वो लोग तो वहाँ खड़े ही थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जितना जानकार मतलब जिन जिन लोगों को जानकारी मिल रही थी वो सब उनके घर के पास पहुँच रहे थे। ऐसे ऐसे करके भीड़ बढ़ रही थी, लोग रो रो के चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, और सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी
वो महात्मा गांधी जी के पास, उनके बॉडी के पास पहुँचे और उन्हें देखे। इसी बीच वहाँ पे स्टैम्पेड हो गया। स्टैम्पेड यानी अचानक से रश, सडन रश। स्टैम्पेड का मतलब होता है सडन रश, यानी अचानक से भगदड़ मच जाना। टू ब्रेक इन टू द हाउस यानी सडनली एकदम अचानक से भीड़ का तितर बितर होना, और सभी के सभी उस घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई। दे calmed अ लिटिल व्हेन इट वॉज अनाउंस्ड दैट दे वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर द फ्यूनरल। और जब भगदड़ मच गई तो लोगों ने, मतलब जो रूम के अंदर जो बॉडी के पास थे, उन्हीं में से किसी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि आप सभी को गांधी जी को आखिरी बार उनके फ्यूनरल से पहले देखने के लिए दिया जाएगा। तो ये बात सुनते ही लोग थोड़े से शांत हो गए। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers. Whimpers यानि low crying sound, यानि धीरे धीरे रोना, उसे कहा जाता है low crying sounds या whimpers. तो when one is faced with shock of loved one's death, जब हमारा कोई अपना बहुत ही करीबी, बहुत ही हम जिसे प्यार करते हैं, जब वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो या तो कोई लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के दहाड़े मार के रोते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप रोते रहते हैं, मतलब उनके मुंह, उनके आँखों से आंसू तो निकलते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं करते हैं, बिना आवाज़ के वो रोते रहते हैं। What will become of me now that he has left me? This was surely the question uppermost in the middle of the mourning people. अच्छा, अब जितने भी फॉलोअर्स थे जो गांधी जी को मानते थे, सपोर्ट करते थे और उनके कदमों के साथ कदम मिला के उनका साथ देते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो सभी एक ही बात सोचने लगे कि अब हमारा क्या होगा। What will become of me now that he has left me? अब वो हमको छोड़ के चले गए हैं, अब उनके चले जाने के बाद अब मेरा क्या होगा, मैं अब क्या कर पाऊँगा, ऐसा वो सभी सोच रहे थे, वो सभी इंसान सोच रहे थे जिनके माइंड में ये था कि अब गांधी जी हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा मार्गदर्शन अब कौन करेगा। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रेन, वो जितने भी लोग थे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे और उसके अलावा जो लोग भी उनको सम्मान करते थे, उनका मान देते थे, उनके साथ आगे बढ़कर आगे चल रहे थे, वो सभी ऐसा लग रहा था जैसे कि जब कोई बच्चा रास्ते में खो जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, रोने लगता है, ढूंढने लगता है अपने माँ बाप को या अपने जिसके भी पहचान के साथ वो गया था उसको ढूंढने लगता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो भीड़ थी, ये जो फॉलोअर्स की भीड़ थी, ये सभी अपने आप को ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी अपने मार्गदर्शक को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शक उनको छोड़ के चला गया है। तो अभी वो सभी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी लॉस्ट चिल्ड्रन हो गए, यानी ऐसा बच्चा जो कहीं खो गया है। इट वॉज द क्वेश्चन इन मैनी ऑफ अवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग, और बहुत लोगों के दिल में सिर्फ यही क्वेश्चन लोगों के बीच में चल रहा था कि अब हमारा क्या होगा। अब वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सच में क्या महात्मा गांधी हमको छोड़ के सच में चले गए, ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे ही लेटे हैं, कोई भी इस घटना को बिलीव नहीं कर पा रहा था। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर। इसके बाद यही घटना जो धीरे धीरे लोगों में फैल रही थी, अब इसे ब्रॉडकास्ट किया गया। ब्रॉडकास्ट से मतलब टीवी, टेलीविजन या रेडियो के थ्रू लोगों को बताना। तो रेडियो या टीवी के थ्रू जब ये खबर लोगों को बताई गई तो धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये बात फैल गई कि बापू अब नहीं रहे, बापू हमें छोड़ के जा चुके हैं। यूनिट 2 पेज 18। गांधी जीज फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। गांधी जी के फ्यूनरल जो था, फ्यूनरल से मतलब
अंत्येष्टि करना। अंत्येष्टि से मतलब जब हम कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको समाधि देकर उसे आग में जला देते हैं। हमारे हिंदू में यही नियम है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो हम उसे चंदन काट में उसके सारे अंत्येष्टि की जो प्रोसेस है उसको करने के बाद हम उसे जला देते हैं। जैसे मुस्लिम्स में उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, क्रिश्चियंस में भी गाड़ दिया जाता है लेकिन एक कॉफिन के अंदर। तो हर एक जो जाति है, हर एक जो हमारे इंडिया में जैसे जो धर्म है सबका अलग अलग नियम है। तो हम हिंदुओं का नियम है कि जब कोई मर जाता है इंसान तो हम उसकी अंत्येष्टि कर कर उसके साथ जो पूजा की जाती है वो सब कर कर उसे हम आग में जला देते हैं। तो बिल्कुल गांधी जी का फ्यूनरल भी टेक प्लेस द डे आफ्टर, उनके डेथ के अगले दिन ही उनकी अंत्येष्टि की गई। आवर्स इन एडवांस पीपल लाइन द रूट द फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज टू फॉलो। अब जब उनकी डेथ हो गई है, उनकी अंत्येष्टि शुरू हो रही है और उस प्रोसेस में जब आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे लोग जो हैं आसपास के जो आसपास रहते हैं वो सभी एक साथ एकजुट होकर उस रास्ते में जिस रास्ते से गांधी जी की बॉडी को लेके जाया जा रहा था उस रास्ते में वो एक रो बना के आगे बढ़ रहे थे। एक रो बना के आगे बढ़ना मतलब जब कोई मर जाता है तो उसके पीछे पीछे कई लोग लाइन बना के आगे जाते हैं। हम लोगों ने देखा ही है कि जब भी किसी का डेथ होता है तो उसके शव को एक बेड टाइप का जो माने क्या बोलेंगे उसे, एक बेड में सुला दिया जाता है और उसे चार लोग कंधा देके आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से गांधी जी की बॉडी को भी चार लोग कंधा देकर आगे ले जा रहे थे और उनकी बॉडी को आगे लेके जा रहे हैं और उसके पीछे कई लोगों का झुंड एक लाइन में एक रो बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक झांकी निकल रही हो, कि जैसे हम देखते हैं ना भगवान की झांकी निकलती है तो लोग उसके पीछे पीछे मंदिर तक, मतलब जहाँ तक उसकी झांकी लेके जाएंगे वहाँ तक लेके जाते हैं। तो बिल्कुल गांधी जी की बॉडी को भी इसी तरह से ऐसे ही बेड पे लेके जाया जा रहा था और इतने सारे लोगों का हुजूम उसके पीछे जा रहा था जैसे लग रहा था कि कोई झांकी निकल रही हो। पद्मसी मिसेस नायडूज डॉटर स्पोक फॉर अस ऑल व्हेन शी सेड सिंपली We will walk. It is the last time we shall be walking with Bapu. पद्मसी जो कि मिसेस नायडू की बेटी थी, हम लोगों को सामने वो सबसे पहली बार बोली। और क्या बोली वो, कि सिर्फ एक लाइन उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ चलेंगे और ये आखिरी बार होगा ऐसा कि हम सब एक साथ बापू के साथ चले। पेज 20। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। एगोनाइजिंग का मतलब होता है मेंटली पेनफुल। मेंटली पेनफुल से क्या समझते हो, यानी जब हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल, हमारा मन, हमारा दिमाग सब कुछ पेनफुल है, यानी सब मतलब एक इतनी बड़ी घटना घट गई है कि गांधी जी हमें छोड़ के चले गए हैं, तो हर एक का मन इतना उदास है कि पूरा जो दिमाग है जैसे लग रहा है कि दर्द, पूरे दिमाग में जैसे दर्द छा गया है इस मृत्यु का जो दर्द है। थाउजेंड्स साइलेंटली वॉच्ड द प्रोसेशन, और हजारों लोगों की मात्रा में लोग इस प्रोसेशन को, प्रोसेशन यानी ये जब झांकी निकलती है किसी चीज़ की उसे कहा जाता है प्रोसेशन, जिसमें कई लोग हजारों की संख्या में एकजुट होकर एक लाइन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं उसे कहा जाता है प्रोसेशन। तो ये सभी लोग धीरे धीरे आंसू बहाते हुए बिल्कुल साइलेंटली गांधी जी की बॉडी के लेके जा रहा था और उनके पीछे पीछे ये लोग चल रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स। अब बापू को इन्होंने उस बेड पे नहीं लिटाया, उनको चार कंधे पे नहीं लेके जाया जा रहा था, उन्हें एक
खुले ट्रक में उनकी बॉडी रखी हुई है और उनकी बॉडी पूरी तरीके से फूलों से भरी हुई है और उनकी बॉडी को एक ओपन ट्रक में रखा गया है, यानी खुले ट्रक में, जिससे कि लोग उनका दर्शन कर सके आखिरी बार। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट ट्राइंग टू टच बापूज फीट। हज़ारों की संख्या में लोग बुरी तरीके से दुख में रोए जा रहे हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि आखिरी बार बापू के पैरों को छूकर उनसे अलविदा कहें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। और ऐसे इतने घमासान तरीके से वहाँ पे जो लोगों की संख्या बढ़ गई थी, ऐसी भीड़ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था कि आगे बढ़ा जा सके, इतनी भीड़ वहाँ पे जमा हो गई थी। As I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of grieving people. This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. मैं भी इस पोजीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। मैं भी से मतलब हमारी जो ऑथर हैं नयनतारा, वो भी इस पोजीशन में धीरे धीरे आगे मूव कर रही है और वो बिल्कुल लोगों के बीच में चल रही है। पूरा लोगों का जो हुजूम है वो सभी रोते रोते आगे बढ़ रहा है और उन्हीं में एक हमारी ऑथर नयनतारा भी उनके साथ चल रही है। और नयनतारा को ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई फ्यूनरल पोजीशन, मतलब जैसे हम दुख में कई बार हम कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो हम उसके दुख में हम उसके पोजीशन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पोजीशन है ये दूसरे पोजीशन से बहुत ही अलग है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के सबसे प्यारे लीडर का प्रोसेशन है जिसे आखिरी बार लोग अलविदा कहने के लिए इतनी भीड़, इतने लोगों की संख्या में वहाँ पे आ गए हैं। आई वॉज अमंग पीपल फॉर होम वॉकिंग विद बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग। और मैं उन कुछ लोगों में से एक थी जिनके लिए बापू के इस आखिरी यात्रा में भाग लेना उनकी ज़िंदगी का एक अलग मकसद था। मैंने सभी लोग सोच रहे थे कि नहीं, आखिरी बार मैं बापू की इस अंतिम यात्रा में बिल्कुल मैं इसका हिस्सा बनूंगा, ये मेरे ज़िंदगी के सबसे मतलब अच्छे क्षणों में से एक क्षण होगा, मैं इस स्पेशल जो मीट है इसको मैं बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कई लोग सोचते हुए उस प्रोसेशन में भाग लिया उन्होंने और साथ में हमारी ऑथर नयनतारा ने भी इसी प्रोसेशन में भाग लिया। वी हैड वॉक्ड विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रीसेंट हिस्ट्री। हम सभी लोग बापू के साथ अच्छे रास्ते में, खराब रास्ते में और हर पथ पे, चाहे पथ कितने भी कांटों भरा क्यों ना हो, लेकिन हम बापू के साथ एक साथ आगे बढ़े, उनका कदमों के साथ हमने कदम आगे बढ़ाया। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मैनी डिफ़िकल्ट पाथ वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन। और हम सभी बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि बापू हमें छोड़ के इस मझधार में, हमें बीच में ही छोड़ के आगे निकल गए। कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी उनका मन राज़ी नहीं हो रहा था। हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था कि कैसे चले गए बापू हमको छोड़ के। और वो इंसान जिसने हमें हर मुश्किल का सामना करना सिखाया, हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाया, वो इंसान हमें कैसे छोड़ के अकेला ऐसे संसार में छोड़ गया। बापूज स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड स्टाफ हैंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और बापू जैसे एक इतने छोटे से फिगर जिसे लोगों ने बहुत सम्मान दिया और लोग उनके साथ एक स्ट्रिक्ट वे में आगे बढ़े, उन्होंने इंडिया के कई हिस्सों में इस स्ट्रिक्टनेस को कि हम अहिंसा के साथ आगे बढ़ेंगे और हम अपने जो मकसद है हम उसमें कामयाब होंगे, इस स्ट्रिक्टनेस के साथ वो आगे बढ़े।
To walk is to make slow progress. It is to think with clarity and closely look at all that is around you, from small insect to the horizon in the distance. वो बापू हमेशा कहते थे कि हमें अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही हमारी स्पीड कम क्यों ना हो, हमारा प्रोग्रेस थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपनी जो मकसद है उसे हमेशा हमें क्लियर रखना चाहिए और उस मकसद को पाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कोई भी हमारे रास्ते में क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने स्टेप्स नहीं रोकने हैं, हमें अपना कदम नहीं रोकना है, हमें अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाना है और अपने साथ हर इंसान को एक सम्मान देते हुए उसे अपने साथ मिला लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो कोई छोटा सा कीड़ा है तो उसकी क्या औकात हमारे पास या कुछ भी। हमें डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए चलना है। डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए चलना मतलब जैसे कि चाहे कितनी भी कठिनाई परिस्थिति बीच में आए, चाहे हमारा जो मकसद है उसको पाने के लिए हमें बहुत समय लगे, बहुत डिस्टेंस लगे, बहुत डिस्टेंस हमको आगे बढ़ना पड़े, लेकिन हमें उसको देख के डरना नहीं है, हमें चलते रहना है, जिससे कि एक समय ऐसा आएगा जब हर चीज़ हम पार करके अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे। Moreover, to walk was often the only way open to the average Indian. और कई बार हम जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, हमारे लिए कई बार ऐसे खुले में वॉक करना ही एक्चुअल काम हो जाता था, क्योंकि इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट। गांधी जी हमेशा अहिंसा को फॉलो करते थे और हमेशा उस अहिंसा को फॉलो करने के लिए वो यात्रा करते थे। दांडी यात्रा की उन्होंने, इसी तरीके से और भी बहुत सारी यात्राएं की। तो वो हमेशा सोचते थे कि हम अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे और उस पथ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा एक ग्रुप को लेकर आगे बढ़ेंगे और चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हमारा रास्ता क्यों ना रोके, हम अहिंसा के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई हमें रोक रहा है तो हम उसे मार पिटाई करने लगे, नहीं। गांधी जी ने यही चीज़ लोगों को सिखाई कि अहिंसा के साथ आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा जो मंजिल है वो बहुत दूर है, उस मंजिल तक जाने के लिए तुम्हें बहुत डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, लेकिन उस डिस्टेंस को देख के तुम डरो मत। इस ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के लिए हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत रास्ता तय करना पड़ता है, तो उस रास्ते को देख के डरना नहीं है और उस रास्ते को देख के ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इस पथ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का नुकसान हो गया। नुकसान को बिल्कुल नहीं देखना है, अपनी एनर्जी बचा के रखनी है और चलते चले जाना है, क्योंकि यही ज़िंदगी का असली मकसद है। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम जाके उस चीज़ को, उस मकसद को पूरा कर पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी लोगों को यही समझाया कि अगर तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो तो तुम सब मिलके खुशी के साथ आगे बढ़ो, कभी भी दुख में नहीं, हर चीज़ को खुशी के साथ अपने सामने सोचो, उसको उसका दुख को मत देखो, उसकी खुशी को देखो। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर हम यूनिट 3 से पढ़ेंगे। तो बाय फॉर नाउ, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।